दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सो आज का ये वीडियो जो है बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज के इस वीडियो का जो टॉपिक जो है क्लास 8 से लेके 10 तक के सभी बच्चों के लिए है। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको हर एक स्टेप पे बेहतर जानकारी मिले। और वीडियो जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का ये प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जो है ये हॉलो सिलेंडर के कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है चलिए सबसे पहले समझते हैं। मैंने इस प्रॉब्लम से रिलेटेड इसका डायग्राम बना दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे देखो इस पाइप का वॉल्यूम जो है यहाँ पे दिया गया है 748 सेंटीमीटर क्यूब। और इसकी जो हाइट है फिलहाल तो यहाँ पे लेंथ दिया गया है। तो अगर ये सिलेंडर पाइप अगर हॉरिजॉन्टल रखा रहेगा तो वो लेंथ होगा, लेकिन जब उसको आप स्टैंड कर दोगे तो वही लेंथ जो होगा वो हाइट का काम करेगा। तो यहाँ पे जो लेंथ 14 है, बट चूंकि ये स्टैंड है तो ये हाइट जो है 14 सेंटीमीटर यहाँ दिया गया है। अब बताया गया है एक्सटर्नल रेडियस जो है 9 सेंटीमीटर है। तो जो आप इसका जो टॉप का जो सरफेस देख रहे हो ना, आपको दो सर्कुलर रिंग दिखाई दे रहे हो। तो जो अंदर वाला सर्कल है उसके लिए स्मॉल रेडियस आर, और जो बाहर वाला है ये है एक्सटर्नल रेडियस। तो मैं इसका नाम बता रहा हूँ, मान लो ये ओपी जो है ये अंदर वाले सर्कल का रेडियस है, और ओ क्यू जो है बाहर वाले का एक्सटर्नल रेडियस है। तो एक्सटर्नल रेडियस को हम लोग कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल रेडियस जो दिया गया है वो 9 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आपको इसमें पूछा जा रहा है क्या कि ये ऊपर का जो रिंग देख रहे हो ना, इसकी थिकनेस है क्या, क्लियर? तो थिकनेस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उसको उसी का यूज करना है। तो फिलहाल वॉल्यूम दिया गया है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है उसको समझे पहले। देखो अगर हॉलो सिलेंडर है तो हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है पाई एच एक ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और दूसरे ब्रैकेट में होता है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। और ये जो वॉल्यूम का जो रिजल्ट दिया गया है वो 748 सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पे। अब एक चीज देखिए, आप ये जो पाई की वैल्यू है इसको आप 2/7 तो लिख ही सकते हो आप। यहाँ पे एच की वैल्यू 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको आप लिख लीजिए। और ये देखो ये जो आप कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर जो दो अलग अलग ब्रैकेट में जो देख रहे हो ना, ये बेसिकली जो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के फॉर्मूले के बेसिस पे है। अगर एक ब्रैकेट में आपने पढ़ा होगा कि जब एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, तो जो प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता आता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया आपका 748 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ देखो ये जो 14 है ना, 7 से कैंसिल होगा तो 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखो ये सेंटीमीटर इधर है और इधर सेंटीमीटर जो है 3 टाइम्स आए हुए हैं। तो अगर यहाँ से 1 सेंटीमीटर अगर हटाते हैं तो यहाँ पे भी 1 हट जाएगा, तो 3 में से 1 कम हुआ तो कितना हुआ, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा साफ साफ कर देता हूँ मैं, क्योंकि आपने 14 को 7 से डिवाइड किया है तो 2 टाइम्स आया है। तो यहाँ पे मैं सीधे जो है मैं 2 लिख देता हूँ मैं, ओके। अब यहाँ देखो जो इस ब्रैकेट में आप कैपिटल आर देख रहे हो ना, तो यहाँ पे देखो कैपिटल आर की वैल्यू 9 सेंटीमीटर दी गई थी यानी एक्सटर्नल रेडियस। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 22 में मल्टीप्लाई किया तो 44 हो गया, इन टू 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे अच्छी देखिए, अगर आप 44 को यहाँ से हटा करके यहाँ लाते हैं तो ये डिवाइडेशन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 748 सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे डिवाइड में ये 44 नीचे आ जाएगा। इसको आप छोटा करके लिख लीजिए कि आप इसको क्या लिख सकते हो। तो यहाँ देखो अगर आप इसको 11 से डिवाइड करोगे तो 11 फोर जा 44 हो जाएगा, और यहाँ पे ये रिजल्ट जो होगा 68 हो जाएगा। देख लो 11 सिक्स जा
66 और 11 एट जाए 88, क्लियर। तो ऊपर जो है न्यूमरेटर में 68 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 4 है, तो इसको थोड़ा सा साफ साफ हम लोग लिख देते हैं, 68 सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे क्या था 4 था। इसको चाहेंगे तो आप इसको और छोटा कर सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 4 बन जा 4 एंड 4 से बन जा 28, यानी 17 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा यहाँ पे। यानी इस शीशे को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको जो है 17 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग हटा लेते हैं और यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यहाँ से हम लोग जो है इस आर की वैल्यू को निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करिए, माइनस आर स्क्वायर को आप यहाँ से हटा करके यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए और 17 को यहाँ लगेंगे, तो ये हो जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 17 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये तो हो गया 4, क्लियर, और यहाँ आएगा 6, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आई होप आपको इतना चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस जगह को थोड़ा सा क्लीन करते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए। मैंने आपके लिए जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज का मैंने लिंक दे रखा है, उन वीडियोज को भी आप जरूर देखिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसी बनी है। अब यहाँ देखो, इधर है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इधर है राइट साइड में आर स्क्वायर, तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, तो 8 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो इस रिजल्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे पावर 2 लगा हुआ है, तो इसको हम 8 सेंटीमीटर लिख करके इसका होल पावर 2 लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से आप एक चीज रूल आपने पढ़ा होगा, उस रूल को भी आप समझ लीजिए। देखो, अगर a पे पावर m जो है b पे पावर m के इक्वल है, यानी दोनों का पावर क्या है, सेम है, बीच में क्या लगा है, इक्वल का साइन, तो जो बेस की जो वैल्यू जो होती है वो बेस के ही इक्वल होती है। तो वो रूल्स का भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हो कि दोनों का पावर सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, तो यहाँ पे जो स्मॉल आर की जो वैल्यू जो आएगी वो आएगी 8 सेंटीमीटर। तो कैपिटल आर तो ऑलरेडी दिया गया था, स्मॉल आर की वैल्यू आपने 8 सेंटीमीटर आपने निकाल लिया, लेकिन चूंकि आपसे क्वेश्चन में थिकनेस पूछा गया है तो थिकनेस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो थिकनेस को निकालने के लिए हम लोग बाहर का जो एक्सटर्नल आर है उसमें हम लोग स्मॉल आर की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो आपको जो है इसकी थिकनेस पता चल जाएगी। तो एक्सटर्नल आर क्या था, 9 सेंटीमीटर था, और इंटरनल जो रेडियस जो था वो अभी आपने निकाला है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, उसको रख लीजिए और जो वैल्यू जो आएगी ये 1 सेंटीमीटर आएगी। तो वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को ढेर सारा प्यार, बड़ों का सम्मान करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।